अग्निपथ योजना पर पीएम मोदी का विपक्ष पर बड़ा हमला का विपक्ष ने सेना को कमजोर करने का किया काम। पीएम के आरोप पर विपक्ष का पलटवार, पूछा 4 साल बाद क्यों होंगे रिटायर। अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में झूठी राजनीति कर रहे हैं। कारगिल विजय दिवस के 25 साल पूरे, ऑपरेशन विजय की 25वीं वर्षगांठ पर कारगिल युद्ध स्मारक पहुंचकर पीएम ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। आतंकवाद पर पाकिस्तान को घेरा। मैं आतंकवाद के इन सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। मानहानि केस में राहुल गांधी ने सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में दर्ज कराया बयान, मानहानि के आरोपों से किया इनकार, राजनीतिक कारणों से फंसाने का आरोप लगाया। नीति आयोग की बैठक में ममता में शामिल होंगी ममता बनर्जी, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी कल होने वाली बैठक में हो सकते हैं शामिल। कर्नाटक, तमिलनाडु, हिमाचल, दिल्ली, तेलंगाना और पंजाब के मुख्यमंत्री कर चुके हैं बैठक के बहिष्कार का ऐलान। यूपी में सियासी हलचल के बीच दिल्ली पहुंच रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, अमित शाह और जेपी नड्डा के अलावा पीएम मोदी से भी हो सकती है मुलाकात। अखिलेश यादव ने केशव मौर्य को बताया दिल्ली का मोहरा। वो मोहरा है दिल्ली के, वाईफाई के वो पासवर्ड है। कावड़ यात्रा मार्ग में नेम प्लेट मामले में सोमवार तक सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश जारी रहेगा। यूपी सरकार का सुप्रीम कोर्ट में जवाब, कहा धार्मिक भावनाओं का ध्यान रखते हुए लिया गया था फैसला। सम्राट चौधरी की जगह डॉक्टर दिलीप जायसवाल को बनाया गया बिहार बीजेपी का अध्यक्ष। सीपी जोशी की जगह मदन राठौड़ को राजस्थान बीजेपी की कमान। कई राज्यों के प्रदेश प्रभारियों की नियुक्ति, देर रात बीजेपी ने जारी की लिस्ट। लोकसभा में अमृतपाल के समर्थन में चरणजीत चन्नी के बयान से कांग्रेस ने किया किनारा। जयराम रमेश ने बताया चन्नी का निजी बयान। दिग्विजय सिंह बोले चन्नी बड़े नेता हैं, सोच समझकर ही कहा होगा। महामंडलेश्वर स्वामी प्रेमानंद ने हिंदू महिलाओं को 4 बच्चे पैदा करने की दी सलाह। उज्जैन में कथा के दौरान कहा 2 बच्चे आप रख लो, 2 हमें दे दो। भारत वर्ष को अगर हिंदुस्तान बनाना है तो हमारी माताओं को एक नहीं कम से कम एक परिवार में 4-4 पुत्र होना चाहिए। गुजरात और महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश की वजह से स्कूल कॉलेज बंद। मुंबई में लोकल और विमान सेवाएं भी प्रभावित। महाराष्ट्र के 4 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी।